एक कहानी है बिहार के मुंगेर जिले के महबतपुर गांव की, जहां विनोद नाम का लड़का दीप्ति नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। दोनों का प्यार फेसबुक से शुरुआत हुआ और मिलने से लेकर सुहाग रात तक चला गया। लेकिन दोनों के अलग अलग जाति होने के कारण अपने माँ बाप को बता न सका। अचानक विनोद की शादी नीलू कुमारी नाम की लड़की से पास के गांव में उसके माँ बाप की मर्जी से शादी तय हो जाती है। लड़की के माता पिता को बचपन में गुजर जाने के कारण उनके चाचा ने उस लड़की को किसी तरह से पाला था। चाचा को जब 16 साल की नीलू बोझ लगने लगी तो विनोद की माँ बाप से मिलकर 16 मार्च 2016 को शादी तय हो गई। जब ये बात दीप्ति को पता चला तो उसने विनोद को फोन कर बुलाया और पूछा, प्यार तो तुम मुझसे करते हो तो शादी उस लड़की से क्यों कर रहे हो? विनोद ने कहा, मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को बता सकूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्योंकि हमारी जाति अलग अलग है। दीप्ति बोली, अगर हिम्मत नहीं था तो मुझसे प्यार क्यों किया? काफ़ी सोच विचार करने के बाद लड़के ने बोला, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। दीप्ति बोली, क्या? विनोद बोला, लड़की के साथ सुहाग रात तो क्या, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा और सुहाग रात के दिन ही मार डालूंगा, फिर मैं अपनी माँ बाप से कहूंगा कि मेरी शादी तुमसे करवा दे। दीप्ति बोली, तुम अगर उसे मार दोगे तुम्हें फांसी हो जाएगी। विनोद बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं एक सपेरा को जानता हूं और उसके पास जहरीला सांप रहता है, मैं सुहाग रात के दिन और मैं उसे चुरा लाऊंगा और रात में दुल्हन के कमरे में छोड़ दूंगा। लड़की अनाथ है इसलिए कोई केस मुकदमा नहीं होगा और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा, लोगों को लगेगा कि उसको सांप ने काट लिया। दीप्ति बोली, ठीक है, उस लड़की को मारने के बाद मुझे फोन कर देना। फिर दीप्ति और विनोद दोनों अपने अपने घर चला गया। 16 मार्च 2016 को अनाथ नीलू की शादी विनोद के साथ हो गई। 17 मार्च 2016 को अनाथ नीलू विनोद के घर आ गई। सुहाग रात का समय आ गया, विनोद को घर वाले ढूंढ रहे थे। रात को 12 बज गए, आखिर विनोद कहाँ गया? विनोद उस सपेरे के घर सांप चुराने चला गया था। विनोद सांप चुरा कर रात 2 बजे घर आया। दुल्हन थकान के मारे बिस्तर पे ही सो गई। विनोद सांप को दुल्हन के बिस्तर पे छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह शोर हो गया कि अनाथ दुल्हन को सांप ने काट लिया और अनाथ दुल्हन सुहाग रात को मर गई। विनोद ये सुनकर बहुत खुश हुआ। विनोद ने तुरंत दीप्ति को फोन किया, लेकिन इस बार को कुछ और मंजूर था। दीप्ति का फोन उसके पापा ने उठा लिया। विनोद बोला, हेलो, मैं अपने बीबी को सांप से कटवा कर मार डाला है, हमारे रास्ते का काटा साफ हो गया है, अब हम दोनों आराम से शादी कर सकते हैं। इतना बोल फोन काट दिया। गांव वाले के कहने पे उस लड़की की दाह संस्कार उसी गांव में कर दिया गया। दाह संस्कार करने में 13 दिन बीत गए। जब तक दीप्ति का फोन ट्राई करता रहा लेकिन फोन बंद था। अब यहां दीप्ति की माँ बाप ने फैसला लिया कि दीप्ति की शादी जल्द से जल्द करा दिया जाए, नहीं तो ये कातिल के साथ भाग जाएगी। दीप्ति की शादी अपने रिश्तेदार से 24 मार्च 2016 को करा दिया गया और उसे ससुराल भेज दिया गया। 13 दिन बाद विनोद उसके घर गया तो पता चला उसकी शादी हो चुकी है। विनोद रोने लगा और कहा,
हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, जिसके लिए मैंने अपनी बीवी को मार दिया वो बेवफा किसी और के साथ चली गई। तो दोस्तों एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। विनोद को उसकी कर्मों की सजा मिल गया और आज वो अकेला जिंदगी जीता है, गांजा ताड़ी दारू सिगरेट पी के दिन बिता रहा है और लड़की ऐश कर रही है।